बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इंटरव्यू पेपर हैकर में। मैं सूरजराज, आज के दिन देखने वाले हैं जो भी छात्र बरेली यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे हम एमजेपी आर्य उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बरेली बोलते हैं, और ये अपडेट आप देख रहे हैं, ये लेकिन लॉन्च हमारी 2 तारीख को हुई है, मतलब कि कल हुई है शाम को। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो वेबसाइट पर अपलोड की गई है, इसमें सिंपल तरीके से बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। एक नई शिक्षा नीति अभी लॉन्च हुई है 2020 वाली, आपको पता होगा उसमें क्या हुआ कि कुछ छात्रों के जो यूजी पीजी के छात्र हैं उनका क्या हुआ कि प्रथम सेमेस्टर और अन्य सेमेस्टर, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर हो सकता है, ठीक है, उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा, मतलब कह सकते हैं प्रैक्टिकल जो है अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, तो प्रैक्टिकल को कराने को देखो, अगर संपन्न कराई जानी है तो प्रैक्टिकल जो है आंतरिक और बाह जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न करानी है। आंतरिक और बाह परीक्षकों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप देखो क्या कर दिया गया है, वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन से कॉलेज में कौन सा प्रोफेसर जाने वाला है आपका प्रैक्टिकल लेने, आप उनसे कब पूछेंगे, कॉल करके आप पूछ सकते हैं, उनका नंबर भी यहाँ मेंशन किया गया है, और आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि कब हमारा प्रैक्टिकल होगा, सर बताइए हमें कब कॉलेज जाना है, ठीक है, मैं इस कॉलेज से हूँ। देखिए मैं आपको पूरी बता रहा हूँ, और इनको 20 तारीख तक 20 जून तक पूरा क्लियर करना है। 2 जून से स्टार्टिंग हो जाएंगे सभी महाविद्यालय जो कॉलेज हैं आपके, उनमें प्रैक्टिकल स्टार्टिंग हो जाएंगे और 20 जून तक चलेंगे, उसके बाद नहीं होगा, ये वेबसाइट मतलब कि यूनिवर्सिटी ने साफ कह दिया है। अब यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ कह रहा है 2/6/2022 से लेकर 20/6/2022 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न करा लें, मतलब कि कुछ भी हो जाए कि आपको 20 तारीख तक क्या है जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सारी संपन्न करा लें, और किसी भी स्थिति में तिथि समाप्ति के पश्चात अंकों का ऑनलाइन स्वीकृत नहीं किया जाएगा, उसके बाद में आपको वेबसाइट पर बंद कर दी जाएगी, यहाँ बोला गया है। अब यहाँ पहला पॉइंट में यहाँ बोला गया है, जो भी हार्ड कॉपी होगी, जो भी आपके अंक चढ़ेंगे जिस कॉपी में, वो 2 हार्ड कॉपी बनाई जाएंगी, हार्ड कॉपी कह सकते हैं, 2 अंक पढ़ कह सकते हैं, अंक पढ़ बनाए जाएंगे, मतलब 2 जगह लिखी जाएंगी वो कि किस किस के अंक हैं, और एक तो एक जो कॉपी होगी वो जो प्रोफेसर होगा वो लेके जाएगा, और दूसरी कॉपी होगा वो विश्व महाविद्यालय, मतलब कि आपकी देखो हार्ड कॉपी है वो दूसरी का है, सुरक्षित रखी जाएगी, मतलब दूसरी कॉलेज को दे दिया जाएगा, आपका जो कॉलेज होगा उसको, इस तरीके से बताया गया, ठीक है। और जब यूनिवर्सिटी को आवश्यकता पड़ेगी कॉलेज से मांगने की कि हाँ ये बात सही है प्रोफेसर ने जो दिया है कि गलती तो ना करें ये लोग, मतलब बीच में किसी बच्चे से पैसा लेके कुछ भी हो सकता है, तो उनके अंक चढ़ा दें, तो वो चीज़ है यहाँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो एनीवे तो यहाँ जो है तो उसको फिर कॉलेज से वो चीज़ मांगी जाएगी कि आपके पास कौन सी कॉपी है वो सेंड करिए, यदि दोनों का मैच करेगा तो आपको नंबर चढ़ाए जाएंगे। सभी और जो भी अगर सभी प्रकार की परीक्षा उत्तर पुस्तिका चेतावनी उल्लंघन जो होता है चैलेंज एवोल्यूशन होता है उसके प्रयोगात्मक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय मांगे जाएंगे और तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ चैलेंज एवोल्यूशन के बारे में बात की गई है, और यहाँ देखो परीक्षा पूर्व भारती के अनुसार परिसर में दिए होंगे, और यहाँ परीक्षा बात कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस यहाँ बोला गया कि 80% या उससे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की सील्ड जो सील्ड होती है उनके पृथक विश्वविद्यालय में मांग सके, मतलब यहाँ बोला गया है यदि जो भी प्रयोगात्मक परीक्षा होगी जो आपका प्रैक्टिकल होगा, यदि किसी छात्र को कोई भी टीचर कोई प्रोफेसर 80% से अधिक अंक देता है, 80% से देखो इससे अधिक 80% या फिर 80% से अधिक नंबर देता है प्रैक्टिकल में, ठीक है ना, तो उसको क्या होगा कि जो उसकी पुस्तक लिखेगा, जो बच्चा पुस्तक लिखेगा, जो एक कॉपी लिखी जाती है, ठीक है, या जो प्रैक्टिकल्स होगा उसका रिकॉर्ड होकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जा सकते हैं कि भैया ये बताओ तुमने 80% या 80% से अधिक इस छात्र को प्रैक्टिकल में नंबर कैसे दिए, ठीक है, यदि दिए तो उसका जो दिया यदि आपने दिए हैं प्रैक्टिकल में नंबर तो आप उसको एक हमें प्रूफ दीजिए कि उसकी जो कॉपी लिखी है उस बच्चे ने, ठीक है, कॉपी लिखी जाती है प्रैक्टिकल में वो कैसे लिखी गई है वो हमें दीजिए, यूनिवर्सिटी आपसे मांग सकेगी, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है और समस्त महाविद्यालय द्वारा यहाँ अंधिक 5 महाविद्यालय में वर्तमान 2021 से प्रमाण परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा प्रोफेसर किसका दिया को, यहाँ यदि आप बीबीए के स्टूडेंट हैं आप देख लीजिए बीबीए के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपका प्रोफेसर का नाम हो जाएगा, देखिए आप जो बहुत सारे हैं पीएन सिंह वगैरह हैं, ठीक है, ए मिश्रा वगैरह हैं, संजय मिश्रा प्रोफेसर है, तो जो भी है तो यहाँ उनके कॉलेज के नाम हो जाएंगे जिस कॉलेज में वो ये लोग कह सकते हैं प्रैक्टिकल्स लेंगे, ये कॉलेज के सभी नाम है और उनका ये सामने मोबाइल नंबर है इन प्रोफेसर का, तो आप इनसे बात कर सकते हैं कि सर कब आपको कब प्रैक्टिकल ले रहे हो कैसा क्या है, वो आप यहाँ इनसे बात कर सकते हो। जैसे कि यहाँ और ये देख सकते हैं बी सी ओ के, ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर जाकर, पेपर हैकर.in पर वेबसाइट पर जाकर ये पूरी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं,
यदि आप ये वेबसाइट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज आपका, यहाँ खुद देख पाओगे। बिजनौर के कॉलेज हैं, बहुत सारे हैं, बीए बीएससी के स्टूडेंट हैं, सबके यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये हिंदी के सब्जेक्ट है, जो छात्र हिंदी का स्टूडेंट है तो वो उनको ठीक है, जो क्लास यूजी की बात करने वाले हैं, जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम हो गया, ठीक है, ये देखो यहाँ पीजी हो गया, क्लास यूजी हो गया, तो ये जो है प्रोफेसर डॉक्टर है ये, ठीक है, ये पीजी करे हुए हैं, यूजी का आपका लेंगे और आपके कॉलेज में जाकर इनके ये आपका ये मार्क कह सकते हैं, इनकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पर इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि सर बताइए कब हमारे ये चंदोसी, जो कह सकते हैं चंदोसी कॉलेज है, एसएम कह सकते हैं, एसएम कॉलेज चंदोसी में है, उनमें ये जाएंगे, ठीक है, और इनका नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं कि सर आप कब ले रहे हैं हिंदी का, ये सब हिंदी के प्रोफेसर हैं, आप देख रहे हैं, अलग अलग कॉलेजों में जाएंगे, प्रैक्टिकल लेंगे आपका, ठीक है, तो ये सब कुछ आपके सामने है। यदि आप अपना कॉलेज का नाम यानी सर्च करना चाहते हैं, ये हिस्ट्री के हैं, आप हिस्ट्री की देख सकते हैं, ये टीचर हिस्ट्री के हैं जो आपके अलग अलग जाएंगे, बरेली के बोप कॉलेज में जाएंगे, शाहजहाँपुर में जाएंगे, बरेली है, बरेली कॉलेज बरेली में आप देख सकते हैं, डॉक्टर संजय कुमार, ठीक है, मरुत्रा है, वो यहाँ आने वाले हैं और इसका ये नंबर हो जाएगा। तो ये सब कुछ इनकी ईमेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, उन्होंने ईमेल आईडी भी दे रखी है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं बात करने वाला हूँ ये आप कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद में सबसे आपको लिखना होगा paperhacker.in, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। paperhacker.in सर्च करेंगे, वेबसाइट है हमारी, इस तरीके से वो खुल जाएगी, और नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ से आप सीधे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे, आप देख सकते हैं सारे नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब उसके बाद में यूपी आल यूनिवर्सिटी यहाँ लिखा है, आप यूपी की आल यूनिवर्सिटी पर टच करिए, और इसमें सभी यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो सब मिल जाएंगी यहाँ। और सबसे पहले एमजेपीआरई कोई स्टूडेंट है तो एमजेपी की आप नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो एमजेपीआरई जाइए, और नीचे जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ लिखा है यूजीपीजी डेली अपडेट्स नोटिस, यहाँ आप टच करिए। यहाँ टच करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा यहाँ लिखा है वर्ष 2022 प्रगत में परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में, तो ये जो नोटिस है आप इस पर टच करिएगा, और टच करने के बाद में ये आपका देखिए नोटिस को डाउनलोड हो जाएगा, तो पूरी पीडीएफ आपके सामने है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के जो है, देखो केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री के कौन से कहाँ कौन से कॉलेज में, बरेली कॉलेज बरेली में जो जाएंगे, अनुराग जाएंगे, अनुराग जो डॉक्टर अनुराग हैं, ठीक है, ये जाएंगे और आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स लेंगे, और ये आप देख सकते हैं ये है जो इनका इनका नंबर हो जाएगा, और ये अनुराग कोई है, अनुराग मोहन 50 @gmail.com, इस तरीके से इनका ईमेल आईडी है, तो आप इस पर भी आपको मैसेज कर सकते हैं कि सर आपका हमारे कॉलेज में कब आ रहे हैं, सीधे बात पूछ सकते हैं कि कब आना हो रहा है आपका हमारे कॉलेज में, तो आपको बताएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।